और फोर पीस का फर्क क्या? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात पैदा हो गए। साबिक सदर के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। पार्टी रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के दौरे से लाइल्म। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर भी तब्दील कर दी। नई प्रोफाइल पिक्चर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कंधों पर हाथ रख कर मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी कुछ देर में दुबई रवानगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निजी तैयारा तैयार। फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुरादरी शाह का कहना है, बिलावल भुट्टो अचानक नहीं गए, 3 दिन से दौरे का इल्म था। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। इमाम काबा शेख साले बिन मोहम्मद हमीद की आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने इमाम काबा के दौरे को पाकिस्तानी आवाम के लिए काबिले इज्जत करार दे दिया। कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना आवाम के लिए एहसास की बात है। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन से बेपनाह अकीदत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और सितम की मजम्मत की गई। और 190 मिलियन पाउंड में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से 6 घंटे तक पूछताछ। नैब टीम की क्यादत एडिशनल डायरेक्टर वकार अहमद ने की। एहतसाब अदालत ने नैब को मजीद 4 रोज तक तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। उधर चेयरमैन PTI का 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल करने की इस्तदा।